वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेमेंट बैंक का कंसेप्ट एंड द फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक्स। आइए देखते हैं पेमेंट बैंक्स के गाइडलाइंस क्या हैं। अगर आप एज अ पेमेंट बैंक रजिस्टर होना चाहते हैं, आप लाइसेंस पाना चाहते हैं, तो आपको आरबीआई द्वारा दिए गए गाइडलाइंस, जिनको आप दिशा निर्देश कहते हैं, आपको आरबीआई द्वारा इशू किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, अगर आप उनको फुलफिल करेंगे तभी आपको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। क्या है ये गाइडलाइंस, आइए फटाफट से देखते हैं। द फर्स्ट गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग इज दैट कि एक पेमेंट बैंक जो है वो रजिस्टर होता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको रजिस्टर किया जाता है, इसका पंजीकरण किया जाता है। कंपनीज एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013 में आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरह से बनती है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जो एक पेमेंट बैंक है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। लाइसेंसिंग, पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिलेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। जो पेमेंट बैंक है उसको रजिस्टर किया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर इसको लाइसेंस दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स, आरबीआई कहता है कि पेमेंट बैंक को अपने उद्देश्य बताने होंगे। पेमेंट बैंक क्यों ओपन हो रहा है इसके उद्देश्य बताने होंगे। और उद्देश्य क्या है पेमेंट बैंक के ओपन होने का, क्या ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम पहले भी कर चुके हैं इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पेमेंट बैंक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब सभी को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता है तो उसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। पेमेंट बैंक्स का जो उद्देश्य है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना होना चाहिए। द थर्ड वन इज द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का दायरा क्या है। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेमेंट बैंक्स हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 1 लाख तक, एटीएम एंड डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक्स इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पेमेंट बैंक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं ऑफ अनदर बैंक। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का जो कंसेप्ट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक रूरल एरिया है जहाँ पर आपके ट्रेडिशनल बैंक्स की ब्रांच नहीं है। मान लीजिए SBI है, SBI उस रूरल एरिया में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में अगर SBI इस रूरल ब्रांच में अपनी रूरल एरिया में अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहता है तो वो पेमेंट बैंक को अपना एजेंट बना सकता है, और पेमेंट बैंक अगर चाहे तो SBI का बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, द नेक्स्ट गाइडलाइन फॉर पेमेंट बैंक्स इज दैट डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, भाई धन का इस्तेमाल कहाँ करेगा। जो पेमेंट बैंक है आप उसके पास अपने फंड्स जमा कराते हैं, आप अपने पैसे जमा कराते हैं, जो धन आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है पेमेंट बैंक के अकाउंट में, उसको पेमेंट बैंक कहाँ इस्तेमाल कर सकता है। देखिए लेंडिंग एक्टिविटी के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेमेंट बैंक है वो उधार नहीं दे सकता, लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकता। तो जो फंड्स आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उसे पेमेंट बैंक उधार देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या वो पैसे खाली पड़े रहेंगे? नहीं जी, जो पेमेंट बैंक है आपके द्वारा डिपॉजिट किए गए फंड्स को इस्तेमाल कर सकता है। कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? 75% या 75% से अधिक, देखिए greater than or equal to 75% या 75% से अधिक डिमांड, अधिक के जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं
उनको पेमेंट बैंक्स को इस्तेमाल करना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल्स खरीदने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स खरीदने के लिए इस्तेमाल करना होगा, वो भी विद मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर, जिनकी मेच्योरिटी 1 साल के अंदर अंदर है, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में पेमेंट बैंक को अपना 75% या उससे अधिक हिस्सेदारी लगानी होगी। 25% जो बचा हुआ 25% है या उससे कम लगा सकता है पेमेंट बैंक इन द करंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स विद अदर कमर्शियल बैंक्स। दूसरे कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं, जैसे कि SBI, एक्सिस बैंक, ICICI, ऐसे दूसरे कमर्शियल बैंक्स के पास पेमेंट बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट्स का 25% हिस्सा रख सकता है, लेकिन 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 75% से ज्यादा हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन जो करंट और फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो वो कमर्शियल बैंक्स के पास रख रहा है, वो परसेंटेज 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या आप ये कह सकते हैं कि 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया एंड 20% फिक्स डिपॉजिट्स में लगा दिया? हाँ जी, ये हो सकता है। यस, दिस कैन बी पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि 90% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया एंड 10% कमर्शियल बैंक्स के पास दे दिया? हाँ जी, ये भी हो सकता है। 95% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया, 5% कमर्शियल बैंक्स के पास रख दिया? हाँ जी, ये भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 70% गवर्नमेंट डिपॉजिट्स में किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में किया एंड 30% कमर्शियल बैंक्स के पास किया? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि वो क्या कह रहा है, आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दिए हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो फंड्स जा रहे हैं वो 75% से कम नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है। नेक्स्ट गाइडलाइन इज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रोमोटर्स कौन होते हैं जो किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को इन फोर्स लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेटअप करने के लिए जो सब कुछ करते हैं, उन्हें प्रोमोटर्स कहा जाता है। कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, फंड्स इकट्ठे करते हैं, सेटअप करते हैं, उन्हें आप प्रोमोटर्स कहते हैं। तो जो प्रोमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी के बारे में आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दिए हैं कि प्रोमोटर्स के पास कंपनी की टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 40% या उससे अधिक हिस्सा होना चाहिए। प्रोमोटर्स के पास कंपनी की पेड अप इक्विटी कैपिटल का, पेमेंट बैंक के इक्विटी पेड अप कैपिटल का 40% या उससे अधिक की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की होनी चाहिए और ये पहले 5 साल में चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरे साथ के दो तीन फ्रेंड्स प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने एक पेमेंट बैंक को प्रोमोट किया है, एक पेमेंट बैंक को सेटअप किया है। उस कंपनी की, उस पेमेंट बैंक की जो इक्विटी कैपिटल है, दैट इज 100 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो हम प्रोमोटर्स की आपस में मिलके जो कंट्रीब्यूशन है इस इक्विटी कैपिटल में, वो 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए। 40% हो सकती है, 41% हो सकती है, 45% हो सकती है, लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन 40% से कम नहीं होनी चाहिए और ये आने वाले 5 साल के लिए अप्लाई होगा। ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन आने वाले 5 सालों के लिए बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। दिस इज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। फॉरेन शेयर होल्डिंग को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं आरबीआई की? व्हाट इज फॉरेन शेयर होल्डिंग?
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विदेशी कंपनियों की शेयर होल्डिंग हो पेमेंट बैंक में, क्या हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, विदेशी लोग भी पेमेंट बैंक्स में अपनी कैपिटल लगा सकते हैं, वो भी हिस्सेदार हो सकते हैं पेमेंट बैंक के। लेकिन फॉरेन शेयर होल्डिंग जो मैक्सिमम अलाउ करी है आरबीआई ने, दैट इज 74%। आरबीआई कहता है कि पेमेंट बैंक की इक्विटी कैपिटल में फॉरेन शेयर होल्डिंग 74% से अधिक नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो 26% हिस्सेदारी है पेमेंट बैंक में, वो किसकी होनी चाहिए? इंडियंस की होनी चाहिए या फिर इंडियन कंपनीज की होनी चाहिए। सो फॉरेन शेयर होल्डिंग, विदेशी शेयर होल्डिंग जो अलाउड है, दैट इज मैक्सिमम 74% इन द पेमेंट बैंक। नेक्स्ट गाइडलाइन इज अबाउट द बिजनेस प्लान। आरबीआई कहता है कि जब भी पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, तो उस पेमेंट बैंक को अपना बिजनेस प्लान जमा कराना होगा आरबीआई के पास, अपना बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी कि किस तरह से जो पेमेंट बैंक है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने वाला है। ऐसा बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेमेंट बैंक को अपनी लाइसेंस की एप्लीकेशन के साथ जमा करवानी होगी, तभी उसे लाइसेंस मिल सकता है। तो आइए देखते हैं समरी गाइडलाइंस की जो कि आरबीआई ने इशू करी है फॉर द पेमेंट बैंक्स। द फर्स्ट गाइडलाइन इज अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। जो पेमेंट बैंक है उसे रजिस्टर होना है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एंड उसे लाइसेंस मिलेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताने होंगे पेमेंट बैंक को, और एक पेमेंट बैंक को ओपन करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सके। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, उसकी गतिविधियों का दायरा क्या है पेमेंट बैंक की गतिविधियों का दायरा? हाँ जी रिकॉल करिए, पेमेंट बैंक क्या कर सकता है? डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख तक। एटीएम एंड डेबिट कार्ड्स को इशू कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को इशू नहीं कर सकता। एक पेमेंट बैंक इंटरनेट एंड बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, थर्ड पार्टी फंड ट्रांसफर्स कर सकता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बन सकता है फॉर अदर कमर्शियल बैंक। दीज आर द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज फॉर अ पेमेंट बैंक। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, जो पैसे आप पेमेंट बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं उनको पेमेंट बैंक किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है? लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ जी बाकी चीजों के लिए एक्सेप्ट कर, बाकी चीजों के लिए यूज कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो वो डिमांड डिपॉजिट्स इन्वेस्ट करता है वो 75% या 75% से अधिक होना चाहिए, और दूसरे कमर्शियल बैंक्स के पास भी अपने फंड्स को रख सकता है लेकिन 25% से ज्यादा नहीं। प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि जो प्रोमोटर्स की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए या 40% से अधिक होनी चाहिए इन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये 5 साल के लिए बदलनी नहीं चाहिए, बढ़ सकती है कम नहीं हो सकती। फॉरेन शेयर होल्डिंग को लेकर क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं? कि 74% तक फॉरेन शेयर होल्डिंग अलाउड है, दैट मीन्स कि 26% शेयर होल्डिंग इंडिया और इंडियन कंपनीज के पास होनी चाहिए। बिजनेस प्लान, जब भी पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसे आरबीआई को अपना बिजनेस प्लान एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करानी होगी कि वो किस तरह से अपने उद्देश्यों को पूरा करने की सोच रहा है। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। कीप रिवाइजिंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू।